Welcome guys, this is Shashank Jain, co-founder of Woodofa Interiors. So today I have Abhishek and Vartika with me. So we have designed a 3BHK house in Gaur City, Noida. So let me tell you guys, when Abhishek and Vartika approached us in our office, So they were talking about the design of the house even before buying the property. जब हमने अभी purchase भी नहीं किया था तो हमारे दिमाग में एक बन गया था कि हमें कैसा house चाहिए. ठीक है, flats तो मिलते हैं लोगों को, but हमने उसी समय सोचना शुरू किया था कि हमें एक consultant चाहिए. तो हमने घर के लिए भी सोचा था कि हमें एक ऐसी company के साथ जाना है जो हमारी बात को समझे rather than product बेचे. पहले वो हम समझे कि हम क्या चाहते हैं, कैसा फील देना चाहते हैं, और वो साथ में हमारे काम करे. तो हमने डिफरेंट डिफरेंट कंपनी सर्च किया, गूगल किया, यूट्यूब किया, होम लेन है, एशियन पेंट के पास भी हमने कॉल किया था. एशियन पेंट का इंटीरियर सर्विस, हाँ, उनका इंटीरियर सर्विस है. तो हमने कॉल किया था, तो उसके बाद हमने वुडोफा को भी यूट्यूब वगैरह देखा, वीडियोस वगैरह देखे, और फिर मीटिंग, तीनों से मीटिंग करी हमने. तो फिर हमें फील हुआ कि नहीं, हम वुडोफा के साथ ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं, बिकॉज हमें प्रोडक्ट नहीं खरीदना था, बिकॉज प्रोडक्ट हम कहीं से भी खरीद सकते थे. जैसा इन्होंने बोला अभी कि इवन बिफोर बाइंग वी वर लुकिंग अबाउट कि हम क्या करेंगे, कैसे अपने घर को डिज़ाइन करेंगे. तो मेरा भी वही था, मैं भी देखती रहती थी वीडियोस यहाँ वहाँ. तो मैंने वुडोफा का वीडियो तब तक नहीं देखा था जब तक इन्होंने मुझे नहीं बताया कि दिल्ली में भी ऐसी कंपनी है. बट मैंने और सब देखा था, तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि हमें कोई ऐसा चाहिए कि जो हमें ये ना दे बताए कि ये सामान यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, बल्कि जो हमारी जगह है हम वहाँ पे जो भी बनाना चाहते हैं वो बन जाए. वो कैसे बनेगा उस चीज़ के लिए. फिर जब हमने फर्स्ट मीटिंग में ही रियलाइज़ हो गया था, बिकॉज मेरे हस्बैंड का भी स्टार्टअप है, तो इनका भी जो थॉट प्रोसेस है मेरे को कहीं ना कहीं उसमें लिंक लग रहा था वुडोफा के भी थॉट प्रोसेस में. क्योंकि दोनों लोगों ने, आप दोनों भाइयों ने जब स्टार्ट की, तो मतलब आपकी बातों से लग रहा था कि हमें जो भी चाहिए वो आप उस तरह से एडजस्ट करके बना के मॉडिफाई करके दे ही दोगे. तो वो चीज़ एक था कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया. बट मुझे ऐसा मेरे दिमाग में था कि जब भी मैं घर लूँगा तो उसके अंदर मुझे लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं बनारसी हूँ. क्योंकि मैं अपना बनारसी नहीं छुपाना चाहता, क्योंकि मुझे गर्व होता है कि मैं बनारस का हूँ. तो ठीक है, मेरा घर बनारस में है, एक घर यहाँ भी बनाया हमने, तो मेरे को था कि कोई भी घर के अंदर आए तो बनारसी लुक आना चाहिए. तो मैंने शशांक को बोला कि शशांक ये सारा डिज़ाइन कर रहा है, बट एक आपको कुछ सोचना है कि कैसे बनारस आना चाहिए, मेरे घर के अंदर कहीं पे बनारस आना चाहिए, कि लोग अंदर आए तो उनको पता चल जाए ये बनारस का है. तो हमें कौन सी वॉल अच्छी होगी, क्या करना है, कुछ हमने वॉलपेपर या कुछ डिस्कस नहीं किया था, बस एक बनारस चाहिए था कहीं पर भी. तो फिर डिस्कस किया, फिर आप बताओ कि कैसे हमने बनारस. फिर अब गाइस, जब आप बनारस डिस्कस कर रहे थे तो पूरा घर तो काफी मॉडर्न एंड मॉडर्न एलिमेंट्स लग रहे थे. अब मुझे बार बार लग रहा था, बार बार मैं और समीर डिस्कस करें कि यार बनारस को कैसे डालें उसके अंदर. और मतलब बनारस की बात करते हैं तो सबसे पहले घाट याद आता है, और घाट की कोई फील डालना इज़ वेरी डिफिकल्ट विद इन दैट सेम स्पेस. तो फाइनली जाके फिर वर्तिका और मैंने और जमीन ने हमने डिसाइड किया कि नहीं, अच्छा इसमें एक वॉलपेपर, हमें कस्टम वॉलपेपर. क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही थी कि बनारस बीइंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी, और घर इनका बन रहा है बिल्कुल मॉडर्न लुक वाला, तो हाउ कम बोथ द थिंग्स विल कोऑर्डिनेट विद ईच अदर. मतलब अगर हम जहाँ जहाँ, लेट्स से हमने एक चीज डिजाइन किया बट बीच में कुछ थॉट प्रोसेस आ गया, तो उस थॉट प्रोसेस को कैसे हम उसके साथ मैच करके, क्योंकि अभी अगर अभी हम किड रूम को देखें तो वो कभी नहीं लगेगा कि हमने बाद में सोचा, या उसका जो कलर कॉम्बिनेशन लिया या जो वॉलपेपर का टेक्सचर लिया हमने, तो वो एक कंप्लीट फील देता है उसको. मुझे वो हट्स भी बड़े याद है कि जो हम आपके बेटे के रूम के लिए हट्स की प्लान कर रहे हैं, उसके पीछे का जो वॉलपेपर हमने बाद में सेलेक्ट किया वो थ्री क्लाउड के नीचे एंड देन वो हट्स को उस वॉलपेपर के अंदर एडजस्ट करना वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज़ मतलब वो हट कभी मतलब डिजाइन किया था समीर ने, तो हट अपने हिसाब से कर लिया था. बट मतलब एक वही होता है ना कि बैठ के मीटिंग करने की वजह से इतने सारे वॉलपेपर, किड्स के तो बहुत सारे वॉलपेपर अच्छे हैं, लेकिन ये जो वॉलपेपर हमने सेट किया वो हट को लेते हुए कि हट हमारा वो तीन है, तो क्लाउड तीन क्लाउड बनेगा उसके नीचे, तो वो चीज काफी अच्छी रही थी, और काफी सिंपल वॉलपेपर था, और लेकिन उसके साथ लुक अच्छा आ रहा है उसमें. अगर आप वुडोफा जैसी कंपनी के साथ हम डिस्कस करेंगे तभी ये पॉसिबल है. अदरवाइज कई बार सिर्फ मनी नहीं होता है, मनी आपके पास है लेकिन फिर भी आप नहीं करा सकते, क्योंकि अगर आपने
कोई आपको गाइड करने वाला नहीं मिला, ये हमें हमें हमने तो कभी देखा नहीं था ऐसी चीजें सर, ये हमने आपकी वीडियो में ही देखा है, हो सकता है एक अलग चीज है बट हमने सोचा भी नहीं था। कई बार क्या होता है आप सोच ही नहीं पाते उस लेवल तक, तो क्योंकि आपकी अपनी फील्ड है, हमारी अपनी फील्ड है, हम अपनी फील्ड में अच्छा सोच सकते हैं, आप अपनी फील्ड में अच्छा, तो वो हमने आपकी वीडियो देखी तो हमने कहा कि क्यों नहीं हम भी करा लेते हैं इस चीज को। व्हाट वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस, अच्छा मतलब कुछ गलतियां भी हुई होंगी हमसे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑब्वियसली वो मतलब होती है, हम भी कुछ भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक तो करते हैं ना, हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस क्योंकि अल्टीमेटली जो हम विजुलाइज कर रहे थे वो हमें मिला, हमने सोचा था या मे भी हमने स्टार्टिंग में सोचा भी नहीं था कि हम इस लेवल तक करा लेंगे नहीं करा लेंगे, मुझे याद बिकॉज हमने वीडियो तो देखी थी लेकिन हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं क्योंकि हम लोग मिडिल वर्क से हैं तो हमारे दिमाग में बजट हमेशा चलता है, तो बजट भी चलता है कि हम इतनी चीजें करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, तो उसके लिए मैंने बताया कि बड़ा इंपॉर्टेंट आपका रोल था कि हमें वहां तक पहुंचाया आपने किसी तरह से, चलो आप करा लोगे कैसे करके थोड़ा सा बिकॉज मनी तो लगता है अगर आप कोई काम कर रहे हो बिना पैसे के तो नहीं होता, बट पैसे लगाने के बाद एक जो सेटिस्फेक्शन मिलता है तो फिर वो खलता नहीं कि हाँ हमने इतने पैसे लगा, मतलब आइडिया है इसकी फीलिंग इन द होम, एक तो सबसे बड़ी बात है हमें तो अच्छा लगना चाहिए, कोई और घर में आता है तो उसको भी मजा आना चाहिए, वो हमारे साथ हुआ एक्चुअली, मतलब जितने भी लोग आए ना और आज भी मतलब सब लोग कभी भी फोन पे बात होती है, ऑफिस में भी मेरे कुछ कलीग्स है कभी ऐसे खाली टाइम में जरूर एक बार बोल ही देते हैं कि भर्तिका वैसे तुम्हारा घर बहुत है वैसे अच्छा है कैसे बनाया क्या। दिल्ली एनसीआर में तो अभी मुझे नहीं दिखी कोई कंपनी, सो लेट्स वेलकम रिवान, रिवान से हाय हेलो करो। सो रिवान इज अ सुपर क्यूट किड, मुझे इसका याद है जब ये ऑफिस आता था अपना पबजी खेलता होता था एंड इट वॉज अ ह्यूज, हम कुछ डिस्कशन कर रहे हैं रिवान अपना पबजी पे फुल वॉल्यूम पे मार धाड़ कर रहे हैं, तो बट ही वॉज अ वेरी सपोर्टिव किड बिकॉज ही सपोर्टेड हिज पेरेंट्स अ लॉट, जब भी वो लोग आए तो रिवान घर पे होता था एंड यूज टू स्टे बैक आराम से। रिवान व्हाट वॉज योर फेवरेट प्लेस घर में, क्या अच्छा लगता था आपको, क्लाउड अच्छा लगता था और क्या अच्छा लगा आपको घर में, वॉलपेपर है हमारा घाट वाला एंड देन द डाइनिंग टेबल व्हिच वी हैड सेलेक्टेड एंड यू हैव गिवन अस it has a royal look, so मतलब बहुत ही पूरा वो space ही हमें royal लगता है, तो that's why it's one of my favorite things. and last thing is that कि जो partition बना वहाँ पे एकदम last moment पे तो उसने भी उस area का एकदम look बदल दिया है, kitchen उसके साथ decor वगैरह डाल के enhance हो गया। सर आपका what is your favorite place? So lobby area, obviously lobby area, dining area, ये सारा तो है, बट फेवरेट प्लेस अगर आप बोलोगे पता नहीं, जब से यहाँ पे आना शुरू हुआ है मेरे को सबसे सही एरिया ये जो हमारा काउंटर है, जब मैं लैपटॉप पे और तो मैंने स्टडी टेबल बनवा लिया सब कुछ कर, बट वहाँ ना करके मैं यहीं पे अपना लैपटॉप लेके आता हूँ। अच्छा, तो आपको यहाँ ज़्यादा अच्छा फील होता है? हाँ, मैं यहाँ पे चेयर बैठ के आई डोंट नो मतलब ये मेरे को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, मैं वहाँ पे स्टडी टेबल पे नहीं बैठ रहा, इधर आके अपना लैपटॉप लगा के मुझे यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है काम करना, बिकॉज ये जो लिविंग एरिया है ऑलरेडी ये अच्छा लग रहा है, तो इसकी वजह से हो सकता है यहाँ पे काम करना ज़्यादा अच्छा बिकॉज आपको फील अच्छा है। हाँ, तो बल्कि मैंने लोकेश को बोला भी मुझे एक पॉइंट यहाँ और दे दो लैपटॉप के लिए बिकॉज मुझे यहीं पे काम करना। So Abhishek's favorite place was bar counter or a buffet counter, जो कि बिल्कुल भी हमने study के लिए नहीं सोचा था। But मेरे को काम करने में वही में अच्छा लग रहा है। And वो कहने के लिए bar counter है, वो कभी bar के लिए भी नहीं use होगा। Just बस नाम उसका कुछ भी हो, वो है वो study corner हमारा। Thank you Abhishek and Vartika for being with us. So thank you guys for watching us for the complete episode. See you on another house in another sofa from Woodofa. Thank you.